गाइस, आज के टाइम पर मैक्सिमम लोग शॉर्ट फैक्ट वीडियोस क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उस वीडियो की एडिटिंग और एक अच्छी सी बैकग्राउंड म्यूजिक। लेकिन वीडियो एडिटिंग पर तो मैंने 3 ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, आप लोग चाहो तो जा करके चेकआउट कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन आज वाली वीडियो होने वाली है कि एक अच्छी सी बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे चूज करें। देखो, एक अच्छी सी बैकग्राउंड म्यूजिक किसी भी वीडियो के लेवल को 0 to 5 कर सकती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आप सभी के लिए 8 ऐसे बैकग्राउंड म्यूजिक लेकर के आया हूं जो आप अपने फैक्ट वीडियोस में यूज कर सकते हो। और ये सारे म्यूजिक आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्रिएटर्स के वीडियोस में जरूर सुना होगा। आप उस सॉन्ग को ढूंढने की कोशिश भी किए होंगे लेकिन वो आपको नहीं मिला होगा। ये चीज मेरे साथ भी होता था। तो देखो, इनमें से कुछ म्यूजिक तो आपको यूट्यूब के ऑफिशियल ऐप पर यानी कि यूट्यूब पर ही मिल जाएंगे, लेकिन कुछ म्यूजिक के लिए आपको यूट्यूब लाइब्रेरी खोलना होगा। अब आप में से जो लोग यूट्यूब लाइब्रेरी के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं कि ये यूट्यूब का एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है और आप यहाँ से जा करके फ्री में कोई भी म्यूजिक सेलेक्ट कर सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। फिकर मत करो, मैं लास्ट में एक छोटा सा ट्यूटोरियल दे दूंगा जिसमें आपको मैं बता दूंगा कि आप YouTube लाइब्रेरी से किसी भी म्यूजिक को कैसे डाउनलोड कर सकते हो। जो जो सॉन्ग YouTube पर अवेलेबल है उनके मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और जो सॉन्ग YouTube लाइब्रेरी से आपको लेना है उनके नाम मैं नीचे मेंशन कर दूंगा, आप सिंपली जा करके वहां से डाउनलोड कर लेना। तो आपको हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आप लास्ट में आराम से जा करके म्यूजिक को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला सॉन्ग है इसका नाम है क्रेजी पैट्रिक। ये आपको यूट्यूब के लाइब्रेरी से ही मिल जाएगा। हमारा जो दूसरा सॉन्ग है ये आपने भैया जी के फैक्ट चैनल पर भी सुना होगा और इसका नाम है लिक्विड टाइम। हमारा जो तीसरा सॉन्ग है इसका नाम है टीरेक्स और ये काफी सारे कंटेंट क्रिएटर यूज करते हैं अपनी वीडियोस के अंदर, तो चलिए सुन लेते हैं। हमारा जो चौथा सॉन्ग है ये काफी ज्यादा फेमस है और इसे सुनने के बाद आप भी यही कहोगे कि भाई थैंक यू सो मच इस सॉन्ग को प्रोवाइड करने के लिए, और इसका नाम है डार्क ट्रांस क्वालिटी। हमारा जो पांचवा सॉन्ग है ये भी काफी ज्यादा फेमस है और इसका नाम इसके सॉन्ग से मैच नहीं करता है क्योंकि इसका नाम है ऑर्टियस मैकडोनल्ड। हमारा छठा जो सॉन्ग है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है और इसका नाम है आर्म्स डीलर, आप एक बार इसे जरूर से सुनिए। नंबर पर जो हमारा सॉन्ग है इसका नाम है लास्ट समर और ये भी बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक है, आप फैक्ट या फिर टेक वीडियोस में इसे यूज कर सकते हैं। हमारा 8th एंड लास्ट जो सॉन्ग है इसका नाम मुझे नहीं पता क्योंकि जब मैंने इसे YouTube से डाउनलोड किया था तो ये बिना नाम के ही आ गया था, लेकिन वहां पर मैंने इसको एडिट करके फैक्ट बैकग्राउंड नाम रख दिया, तो आप सिंपली मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के YouTube से डाउनलोड कर सकते हो।